आज हम ये दरचोक चेंज कर रहे हैं। दरचोक जिसे तिब्बतन फ्लैग कहा जाता है, ये हमारे तिब्बतन गुरुजी द्वारा मंत्र फूंक के और इसमें सभी देवी देवताओं का चित्र अंकित होता है और जिसमें काफ़ी सारे मंत्र छपे होते हैं। ये हम इसलिए लगाते हैं कि इसकी वजह से जो घर में बुरी आत्मा, बुरी नज़र और अन्य कई बुरी चीज़ें ना हो बोल के, और घर में सुख शांति समृद्धि और घर में किसी को तकलीफ ना हो बोल के लगाया जाता है। ये हमारे पुराने बुज़ुर्गों का दिया हुआ है जिसे हम आज भी लगातार जारी रखे हुए हैं। इसको साल में एक बार ज़रूर चेंज किया जाता है और इसमें जो विभिन्न कलर है, पांच किस्म के रंग है, इनका अपना अलग अलग सा प्रतीक है। और जो ये पुराना दरचोक हम उसे किसी हम साफ स्थान में रख देते हैं या जला देते हैं। अभी हम ये नया डाल रहे हैं। ये है कथा और ये है दरचोक। जो इसमें पांच रंग है, इन रंगों का भी अलग अलग महत्व है। जो सबसे ऊपर नीला रंग होता है वो आसमान का प्रतीक है। उसके बाद सफ़ेद रंग जो है वो हवा और शांति का प्रतीक है। उसके बाद जो लाल रंग आता है वो जो है आग का प्रतीक है, और पीला रंग हवा का प्रतीक है, और आखिरी में जो हरा रंग है वो ज़मीन का प्रतीक है। पांच रंगों से बना हुआ ये बुद्धिस्ट झंडा जिसे हम दरचोक बोलते हैं, वो पांच तत्वों का एक मिश्रण है जिसे सनातन में पांच तत्व कहते हैं। जो हमारे घर में बुरी आत्माएं, बुरी नज़र और अन्य दुख तकलीफ़ों से दूर रखता है। इस करके हम इसको हर साल में एक बार चेंज करते हैं। और इसके सबसे ऊपर टीका, तीन या पांच टीका लगाने के बाद सबसे ऊपर खपक से लाया जाता है और कथक के साथ वहाँ पर कुछ एक हरे पत्ते या अन्य कोई चीज़ लगाया जाता है। जैसे तो हम कभी इसको जब इसमें मंत्र नहीं फूका होता तो हम इसमें लामा जी लाते हैं। अगर जब हम खरीदते वक्त किसी लामा जी से इसमें मंत्र डाल के इसका रमनी करके लाते हैं तो हम खुद भी लगा लेते हैं इसको, और जिनको आता है वो थोड़ा बहुत मंत्र मार देते हैं और जिनको नहीं आता है वो जैसे अपने मन में शांति की कामना करके इसको लगा लेते हैं। अभी हम भी, मंत्र तो हमें ज़्यादा नहीं आता है तो हम भी थोड़ा अपने दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए दरचोक खड़ा करने का काम करेंगे। अब तकरीबन सारा काम संपन्न हो चुका है, बस रह गया अब दरचोक खड़ा करना। ये जी अब दरचोक खड़ा करने का काम हो गया शुरू, और ये कर दिया जी दरचोक को खड़ा। तो इस तरह दरचोक खड़ा हो गया है और अब हम भी सच्चे मन से अपने रीति रिवाज के अनुसार कुछ एक धुनी लगा के और चावल के कुछ एक टुकड़े सच्चे मन से घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए की कामना करेंगे, और सच्चे मन से घर में किसी को भी दुख तकलीफ ना हो इन सब का प्रार्थना करेंगे। अगर सच्चे मन से आप कोई भी चीज़ मांगोगे तो प्रभु सुन लेता है। तो इस तरह मैंने शुरू कर दिया है।
Thank you so much.